आज का जो मामला हुआ है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? यह घटना बड़ी गंभीर है और भिवाड़ी से शहर में जहां इंडस्ट्रियल है सिक्योरिटी की बहुत सबसे पहले ज़रूरत महसूस की जा सकती है, वो होनी भी चाहिए। और जिस प्रकार की घटना यहां पर कारित हुई और एक जो इंजर्ड्स हुए हैं और जो लूट की और बड़ी की डकैती की बात से जो सामने आई है, वो हम पूरी एक पुलिस की पूरी भिन्न भिन्न टीम्स बना करके भिन्न एंगल्स के पर हम सब वर्कआउट कर रहे हैं। हमने अपनी टीम्स लगाई भी है और यहाँ पूरे संभाग में एक ए श्रेणी की हमने नाकाबंदी भी इसमें करवाई गई है। कुछ ऐसे लोग जो पूर्व में यहाँ पर चिन्हित में जिस प्रकार की वारदातें भी की है, उनको भी हम अभी उनके वर्तमान में स्टेटस कहाँ कैसा क्या है उसके बारे में पूरी हम गहनता से जांच पड़ताल करके हम देख रहे हैं कि उनके वर्तमान में प्रेजेंस कहाँ है। इन बिंदुओं के साथ 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 हम जो हमारे जन सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं, थोड़ा सा हमें ये ज़रूर अपेक्षा है कि हमें वक्त चाहिए अपने इस परफॉर्मेंस को आपके सामने प्रूव करने के लिए भी, और दूसरी बात है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी हमें समुचित प्रबंध हम करने जा रहे हैं। सर अभी कितनी कैजुअल्टी है और कितने इंजर्ड इसमें? देखिए अभी तक इन समय कुल मिलाकर के अभी जो एपिसोड जो घटना में कुछ 3 लोग इंजर्ड हुए थे, 2-3 के इसमें हल्की चोटें हैं, 3 थोड़ा सा उनकी गंभीर स्थिति। फायर आर्म्स का भी यूज़ किया गया है जिसमें एक ही बताया गया है कि अभी वहाँ हॉस्पिटल जाने से पहले ही एक की डेथ हुई है और एक अभी इसकी जो इलाज अभी जारी है, बाकी 3 का है जो इलाज फर्स्ट एड के हिसाब से दिखाया जा रहा है। अभी देखा गया था एक फुटेज के अंदर कि उन्होंने फाइट भी की थी बचने के लिए और उनको भगाया भी उन्होंने, इसके अंदर कुछ लूट की राशि भी इसके अंदर कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हुआ। अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक बार तो क्योंकि गंभीर घटना हुई है, पहले सबसे बड़ी मेडिकल हेल्प की जरूरत थी तो पहले हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का आवश्यकता तो वो भी एक जरूरी है। अब दूसरे परिवारजनों के साथ बैठ के चूंकि ये बड़ा एक घटना है, वह सभी ट्रोमा की स्थिति में अभी वो बताने की स्थिति भी नहीं होंगे कि कितनी की वारदात है, कितने वैल्यू के बल्ट वहाँ पर यहाँ से लेके गए हैं, तो अभी वो एक बार लिस्ट बनाएंगे कितना स्टॉक था इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमें पुलिस के बारे में जो जानकारी देंगे उसके हिसाब से हम दूसरी बार। पूर्व में भी इस तरह घटनाएं हुई हैं और पुलिस नाकाम रहती है इस तरह घटना रोकने में। दूसरा यह है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं यहाँ पे, लगे हैं लेकिन चालू नहीं है, तो इसके बारे में आप देखिए ये तो आपके लिए भी प्रश्न है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए भी, नगर पालिका नगर परिषद जो भी यहाँ की है उनकी व्यवस्था के बारे में है। दूसरा जो भी अपने आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि सीसीटीवी हर जगह अपने हर चौक के पर अपने दुकान का आमने सामने लगाते भी है, कुछ नहीं लगा पाते कुछ के कारण अपने टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ काम भी नहीं कर रहे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा के बारे में हर आम आदमी भी चिंतित नहीं है, जो चिंता करता है वो डेफिनेटली इसमें सिक्योरिटी मेजर्स के रूप में वो अपने यहाँ पर इस प्रकार सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। और रही बात यह है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी था और जिस प्रकार के फुटेज मेरे को अब तक देखने को मिले उसमें सिक्योरिटी गार्ड ने फाइट भी किया है, उसके ओवर पार भी किया है, तो बड़ा उनका एक दुस्साहसिक कार्य था जिसके हमने हर पहलू पे इसकी जांच करने जा रहे हैं और निकट भविष्य में जल्दी ही इसको हम वर्कआउट करके आपके सफलता के सामने ला के रहेंगे। अक्सर सर पुलिस बोलते हैं कि अपने प्रतिष्ठान के सामने आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए या कोई बड़ा प्रतिष्ठान है तो गनमैन रखिए, उसके बावजूद सर इतनी बड़ी घटना? ये देखिए जिस ये बात है कि अपनी योग्यता के आधारित है, यह अभी कोई डिबेट का विषय नहीं है। गार्ड भी रखते हैं, गार्ड कितना सक्षम है, कितना वो अपने प्रोएक्टिवली अपने आप को डिपेंड करता है, कितना आपको सिक्योर कवर का ड्रेस देता है, ये बहुत कुछ बातें इस बात पर निर्भर करती है कि आपको ट्रेनिंग के पर्पज से कैसे हैं। अभी तक जो गार्ड जो लगाए जाते हैं बेसिकली सब रिटायरमेंट के बाद लगाए हुए जो आर्म्स अपने फोर्सेज के लोग बाग होते हैं वो इसके शारीरिक क्षमता के अनुरूप अपने कितना कार्य कर पाते हैं, और सामने आने वाला पहले ऐसा लगता है कि जज करके आता है कि किसको कैसे हमें और पार करके हमें अपनी वारदात को अंजाम देना है। जितनी तत्परता से जो अपराधी काम करते उतना हमारा सुरक्षा गार्ड अगर तत्पर हो तो नेचुरल है वो सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रुख होती है। यहाँ अभी जो मैंने अभी फुटेज देखे हैं समझा है उसके आधार से लगा नहीं कि गार्ड ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पहल करी हो, कोई बात की हो, आते ही उस पर अटैक किया गया है, आते ही उसके साथ ही उसकी जो राइफल उसके पास में थी वो छीनी गई है, उसके बाद उसको अंदर ज्वेलरी शोरूम में अंदर लेके गए, फिर जाने के बाद जैसे ही वो वारदात को वापस करके जा रहे थे तो लोगों ने वापस यहाँ पर एक हिम्मत बता करके किया, उस वक्त ये फायर आर्म्स यूज़ में लिए गए हैं जहाँ पर इसकी इंजरीज भी जिसका परिणाम एक ही एक दुखद घटना हमारे सामने आई है। सर भिवाड़ी जिले ने चारों तरफ पुलिस बूथ बनाए हैं, उसके बावजूद भी अपराधी अपराध करके और आसानी से निकल जाता है, तो इसका क्या माने हम? देखिए ये अपराधी का आना और अपराधी का जाना और भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग में लेना ये बहुत ही बड़ा हमारे पास हमेशा कठिन मार्ग रहता है अपने पुलिस के अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन ये आपको मैं अश्योर करता हूँ इस घटना से संबंधित मैटर में पूर्व में भी जो यहाँ की जो घटनाएं हुई
वो सभी वर्कआउट भी हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई भी कोर्ट में भी हमने प्रस्तुति भी किए हैं, और ये भी आपकी जल्दी सफलता तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर जिसने बदमाशी जो की है, लूट, इतने गंभीर वारदात की, वो सब सलाखों के पीछे जल्दी होंगे। थैंक यू सर बात करने के। तो ये थे हमारे साथ अखिल कुमार टांग जी, आईजी हैं, और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है भिवाड़ी की जनता को आंदा से ये वारदात को जो आज से जो हुई है इस तरह के भविष्य में नहीं देखी जाएगी। अब इतनी क्या समझे, और आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम भिवाड़ी में आप बात करते हैं, भिवाड़ी के पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है, और लगातार पुलिस दावे करती है क्राइम रोकने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन नाकाम रहता है हमेशा। लगातार इस खबर पे बने हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।